हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है 9 रेश पावर 8 रेश पावर 3 प्लस 2x दिस इज इक्वल्स टू 3 रेश पावर 2 रेश पावर 7x माइनस 4। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने 9 को लिखा एज इट इज, मैं इस 8 के जगह स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 3 प्लस 2x। This is equals to, इसको मैंने as it is लिखा है students, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको पता है बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल होता है a की पावर m ब्रैकेट पावर n, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, कि पावर की पावर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 9 की पावर 2, और ये जो पावर है स्टूडेंट्स, ये जो 3 है, ये 3 प्लस 2x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 3, और यहां मल्टीप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 उसकी पावर 7x माइनस 4। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक देखिए, उसके बाद यहां पर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9 की पावर 2, और अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, 9 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6x, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? उसके बाद आपको यहां पर देखिए, ये जो 9 है स्टूडेंट्स, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, तो इस 9 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 की पावर 2 ब्रैकेट उसकी पावर 2, और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, इसकी पावर है 9 प्लस 6x, दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैंने एज इट इज लिखा 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। स्टूडेंट्स, फिर से मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि a की पावर m ब्रैकेट पावर n, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 2 की पावर 9 प्लस 6x है, तो ये 2 इस पूरे से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 9 प्लस 6x, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली चीज को समझिए, a की पावर m ब्रैकेट ये पूरा n है, तो मैंने लिखा a की पावर m इंटू ये पूरा क्या है n है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट रूल जो मैं लगा रहा हूं वो है a की पावर m इंटू a की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रूल का यूज करेंगे तो यहां पर देखिए 1 लीजिए, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 और यहां क्या आएगा 1 प्लस 9 प्लस 6x, a की पावर m प्लस n, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, तो 1 प्लस 9 तो 10 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 और उसकी पावर 10 प्लस 6x, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7x माइनस 4। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इफ a रेश पावर m दिस इज इक्वल्स टू a रेश पावर n, देन m इज इक्वल्स टू n, कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाती है। तो देखिए यहां पर मैंने इसको अगर बेस बोल दिया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आएगा 10 प्लस 6x दिस इज इक्वल्स टू 7x माइनस 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास आएगा 10, ये माइनस का 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7x, ये प्लस का 6x है, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 7x में से 6x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 14। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।